महाराजगंज में सोहगी बरवा वन्यजीव सेंचुरी के दक्षिणी चौक रेंज के जंगल में हिरण के शिकार का मामला सामने आया, जहां वन विभाग की टीम ने देर रात 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें, देर रात वन विभाग को सूचना मिली, कुछ लोग दक्षिणी चौक रेंज में क्षेत्र में शिकार की फिराक में हैं और सूचना के आधार पर वन कर्मियों ने जंगल में खोजबीन शुरू कर दी, जहां जंगल में जांच के दौरान 8 लोग जीप और मोटरसाइकिल से आते दिखे, जिन्हें वन कर्मियों ने रोकने की कोशिश को तो की, वे सभी वन कर्मियों को देख भागने लगे, जिसके बाद वन कर्मियों की हिम्मत और सूझबूझ से सभी आरोपियों को हिरण के मांस के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं वन विभाग पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने में जुटा है। कल रात हमको तो मुखबिर से सूचना मिली कि एक्चुअली 8 लोग, मतलब कि जंगल में घुसा है वो लोग, तो शिकार करने के लिए गया है। सो हमारा SDO उनके टीम के साथ तुरंत निकला है, वो लोग तो मतलब कि उन लोगों को रोकने के लिए। ये लोग जो मुखबिरी दिया है इन्फॉर्मेशन उसी जगह पे पहुंचा है, पहुंचने मतलब कि वो जगह है मलाव नाला सौचौक रेंज का। मलाव नाला जगह पे ये लोग तो एक साइड पे रस्सी बांध करके दूसरी जगह पे मतलब छुपा के रहा है। उसके बाद वो लोग जो आया है तुरंत पीछे से ये लोग तो पकड़ लिया है। शिकार किए सर, और कितने लोग पकड़े गए? सी, हमको तो एज पर सोर्सेस हमको जो मिला है वो तो चीतल का मांस है। सो 5 किलो का बरामद हुआ है मांस, और वहाँ पे कल रात में हम भी खुद गए थे, पुलिस की सर्वे बहुत अच्छा मिला हमको कल रात। सो सब लोगों को लेके वहाँ पे तलाशी करने के लिए गया है। एक यूज्ड कैटरेज मिला है वहाँ पे, इसके साथ उसी जगह पे जो छारे बोलता है वो भी वहाँ पे मिला है, उसी जगह पे जो इन लोगों को पकड़ा गया है वहाँ पे मिला है, और इन लोगों के साथ एक कुल्हड़ी भी मिला है। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है सर? सब लोगों को जेल भेज रहा है, और उसका तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो मीट के लिए वो तो मैं बरेली भेज रहा हूँ, IBR है।